फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पेंडुलम एडू पर आपका स्वागत है। डेली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स 31 जनवरी 2020। चलिए आइए देख लेते हैं मुख्य शीर्षक। मुख्य शीर्षक में आपको पूरी वीडियो में क्या क्या न्यूज़ मिलने वाली है उसका एक ग्लिम्प्स है। देखते हैं सबसे पहली न्यूज़। विभिन्न धर्मों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा उठाया जाएगा। सेकंड न्यूज है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। थर्ड न्यूज है, नेशनल शूटिंग ट्रायल्स तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित। फोर्थ न्यूज है हमारी, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न में आयोजित। एंड फिफ्थ न्यूज है, संप्रीति 9 भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास। आगे देखते हैं, बजट निर्माण प्रथाओं में राज्यों के प्रदर्शन पर पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट न्यूज है, हरियाणा द्वारा सूरजकुंड मेला 2020 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, असम राइफल्स द्वारा नागालैंड में विश्व युद्ध स्मारक निर्मित। और नेक्स्ट है, जनक राज को मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज विस्तार से। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी कि विभिन्न धर्मों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा उठाया जाएगा। और अब इस न्यूज़ के बारे में और देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमें कि 9 सदस्य होंगे, जो कि आने वाली 3 फरवरी को बैठक होगी, जिसकी उसमें विभिन्न धर्मों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इन मुद्दों में सबरीमाला मंदिर है, मस्जिद में महिलाओं की प्रवेश का अनुमति ना होना है, और दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के जननांग विकृति संबंधित मुद्दे, साथ ही पारसी महिलाओं के गैर पारसी पुरुषों से शादी की जो मनाही है, ऐसे मुद्दों को उठाया जाएगा। यानी कि हम कहें तो महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, उन सबको ये 9 न्यायाधीशों की बेंच जो है वो उठाने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कुछ संविधान बेंच के बारे में। संविधान बेंच को CJI यानी सुप्रीम कोर्ट के CJI द्वारा बनाया जाता है। उसमें मिनिमम कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। और इसको बनाया कब जाता है, इसे जब ऐसा लगता है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित, यानी कि संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न होता है तब, या फिर आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति यदि कोई मामला CJI को सौंपता है, उस केस में विभिन्न मुद्दों पर ये बेंच जो है वो बनाई जाती है। और पास्ट में भी ऐसी कई बेंचेस बनाई जा चुकी हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट अभी अयोध्या मामला आया था उस पर, और उसके अलावा केशवानंद भारती केस आप सभी जानते हैं, उस मैटर पर भी ये वाली बेंच, संविधान की बेंच बनाई जा चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वाला न्यूज़ है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित किया। इस सम्मेलन का विषय था ऊर्जा भविष्य का रोडमैप है। और आगे इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जो ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग करता है, और भारत 2022 तक अपने तेल आयात को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। चलिए आगे देखते हैं न्यूज़। अगली न्यूज़ है हमारी, नेशनल शूटिंग ट्रायल्स तिरुवनंतपुरम केरल में, यानी कि जापान ओलंपिक्स 2020 के लिए नेशनल शूटिंग ट्रायल्स तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किए गए। ओलंपिक में ओलंपियन आयोनिका पॉल
जो कि हिस्सा लेने के लिए उन्होंने इस ट्रायल में हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल T1 प्रतियोगिता जीती है, जबकि पुरुषों में विजय वीर सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल की T2 प्रतियोगिता जीती है। हिमाचल की जेना खिट्टा दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि अपूर्वी चंदेला एयर राइफल्स स्पर्धा में तीसरे स्थान पर आईं। जेना खट्टा ने जूनियर एयर राइफल स्पर्धा भी जीती है, जबकि चंडीगढ़ की विजयवीर ने जूनियर पुरुष 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता जीती। चलिए आगे देखते हैं न्यूज़। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेलबर्न में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में के फाइनल में सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविक और स्पेन की खिलाड़ी यानी स्पेनियार्ड गार्बिन गुरुजा ने प्रवेश कर लिया है। सिमोना हालेप को हराने के बाद गार्बिन मुगुरुजा जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के फाइनल में पहुंची हैं और उनका मुकाबला फाइनल में सोफिया कैनन से होगा। नोवाक जोकोविक पुरुष एकल में रोजर फेडरर को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में इसमें रोहन बोपन्ना ने हिस्सा लिया था, उन्होंने डबल्स में हिस्सा लिया था, तो उनकी जोड़ी बनी थी यूक्रेन के खिलाड़ी नाडिया किचे नोक के साथ, जो कि क्वार्टर फाइनल में ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल में टूर्नामेंट कितने होते हैं। टेनिस टूर्नामेंट आप लोगों ने बहुत सारे टूर्नामेंट सुने होंगे, बट एक साल में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। एक है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसा आप देख ही रहे हैं, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा US ओपन या जिसे अमेरिकन ओपन भी कभी कभी कहते हैं, और फोर्थ है विंबलडन ओपन। ये 4 टेनिस टूर्नामेंट जो हैं वो एक साल में आयोजित किए जाते हैं और वही खिलाड़ी घूम फिर के इनमें हिस्सा सब लेते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यूज़। संप्रीति 9 भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि संप्रीति 9 जो है वो हाल ही में आयोजित किया गया है। यह कहाँ पे आयोजित किया गया है? मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है, और ये भारत बांग्लादेश की आर्मी के बीच मेनली मुख्यतः सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। यह हर साल आयोजित किया जाता है 1x1, एक बार बांग्लादेश में एक बार इंडिया में। 2018 का अभ्यास बांग्लादेश के तंगेल में आयोजित किया गया था। बांग्लादेश की बात कर लें जरा, तो बांग्लादेश एक दक्षिण एशियाई देश है और इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा बांग्लादेशी टका है। चलिए आगे देखते हैं। बजट निर्माण प्रथाओं में राज्यों के प्रदर्शन पर पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण, यानी कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बजटीय प्रथाओं पर भारतीय राज्यों का सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण में भारत में असम जो है वो बजट प्रथाओं में अव्वल रहा है, जबकि उड़ीसा को सेकेंड पोजिशन मिली है। अब वे राज्य जो इन्होंने इस सर्वेक्षण में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लोअर रैंक्स पर रहे हैं, वो हैं गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है बजट के लिए इस निर्माण प्रथा के लिए 4 पैरामीटर्स को यूज़ करती है। जो 4 पैरामीटर्स हैं, बजटीय प्रक्रिया, दूसरा है सार्वजनिक प्रकटीकरण, तीसरा है बजट के बाद का वित्तीय प्रबंधन और फोर्थ है बजट को नागरिक के अनुकूल बनाने का प्रयास, यानी कि वो बजट नागरिक के कितना अनुकूल है। आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल NGO है जो कहाँ पर? बर्लिन बेस्ड है, यानी जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। यह भ्रष्टाचार गतिविधियों की पहचान करता है और उनको रोकता है, साथ ही सालाना एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे कहते हैं वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है हरियाणा द्वारा सूरजकुंड मेला 2020 आयोजित किया जाएगा, यानी कि सूरजकुंड मेला 2020 हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन
किया जाएगा। यह मेला फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। हर वर्ष इसमें एक न एक भागीदार देश होता है और इस वर्ष वह भागीदार देश कौन है? उज्बेकिस्तान। और इसका एक थीम राज्य होता है, जिसका और इस वर्ष वह थीम राज्य है हिमाचल प्रदेश। हरियाणा मेले के बारे में और कुछ बातें जान लें। यह मेला सबसे पहले 1987 में आयोजित किया गया था। उसके बाद से हर साल यह मेला फैब के फर्स्ट टू वीक्स ऑफ फैब में आयोजित किया जाता है। और हर वर्ष एक नई फोकस कंट्री होती है, इस वर्ष वह फोकस कंट्री है इजिप्ट। चलिए आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। और एक बात और इसके बारे में जान लीजिए कि हरियाणा मेला या फिर ये सूरजकुंड मेला, इसका मोटो जो है हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है असम राइफल्स द्वारा निर्मित युद्ध स्मारक। यानी कि असम राइफल्स ने नागालैंड के मोकोचुंग में एक युद्ध स्मारक बनाया है। इसमें सेना, असम राइफल्स और वायुसेना को सूचित करने वाले 3 अभिसरण पद शामिल हैं। असम राइफल्स के बारे में कुछ जान लें। असम राइफल्स इंडिया की 7 केंद्रीय पुलिस रिजर्व फोर्सेस में से एक है। इसकी स्थापना 1835 में की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्टेट से बाहर है, क्योंकि इसका असम राइफल्स सिर्फ नाम है, बाकी इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में स्थित है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए चलिए आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है जनक राज को मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में जनक राज को RBI की मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह निर्णय मुंबई में सेंट्रल बोर्ड की 581वीं बैठक में लिया गया। वह जो है MD पात्रा की जगह लेंगे। अब मौद्रिक नीति समिति के बारे में कुछ जान लें। यह समिति RBI अधिनियम 1934 में संशोधन करके बनाई गई है। और यह कैसी है? इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और यह एक वैधानिक निकाय है। इसमें 6 सदस्य होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे बेंचमार्क रेट यह कमेटी तय करती है। RBI का गवर्नर इसके अध्यक्ष भी होते हैं और उनके पास कास्टिंग वोट का राइट भी होता है। कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत, यानी कि अगर आप समझ लीजिए जैसे कि टोटल 6 लोग हैं तो उसमें से 2 जगह डिवाइड कर दिया 3-3 में, यानी कि 3 मत एक पर, 3 वोट एक मत के पक्ष में, 3 वोट एक मत के पक्ष में। ऐसे में गवर्नर जिस तरफ होगा वो वाली निर्णय जो है वो अंतिम होगा, यानी कि निर्णायक मत जो है वो गवर्नर के हाथ में होता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2016 UPSC में भी आया था, उस साल ही समिति बनी भी थी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पर आया था। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ डिस्कशन। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पेंडुलम एडू को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।